नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष आचार्य धर्मेश शाह। आज हम लोग लग्नेश का फल देखेंगे कि लग्नेश जन्म पत्रिका में अलग अलग भावों में क्या फल देता है। लग्नेश क्या है? लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ी हुई होती है उसका मालिक। लग्नेश लग्न में हो तो जातक स्ट्रांग विल पावर, लॉन्ग विजनरी, गुड इम्यूनिटी, गुड रेजिस्टेंस पावर, गुड विल पावर वाला होता है। लग्नेश सेकंड हाउस में होता है तो जातक की मेंटालिटी मनी ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे पैसे कमा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मैं पैसा सेविंग कर पाऊँ। ऐसे बंदे ज़्यादातर वाणी में बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत सोच समझ के अच्छा बोलते हैं। लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का ऑनर थर्ड हाउस में आता है तो जातक पराक्रमी होता है, ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत ही रुचि रखने वाला होता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रहता है, अपने छोटे भाई को अनुकूल होता है। लग्नेश फोर्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस का ऑनर अगर फोर्थ हाउस में आता है तो ऐसे जातक अपना मदर का नेचर या बॉडी स्ट्रक्चर दोनों में से एक गुण आते हैं। छोटी छोटी बाबतों में, छोटी छोटी बातों में खुशी सर्च करने वाले होते हैं। ऐसे बंदे दिल से बहुत ही खुश होते हैं। इनको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत ही लगाव और झुकाव रहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। लग्नेश फिफ्थ हाउस में आता है तो जातक किसी के साथ पोलाइटली काइंडली बात करने वाला, प्रेम से बात करने वाला होता है। ऐसे जातकों का अपने बच्चों के प्रति प्रेम लगाव बहुत ही रहता है। एजुकेशन में भी रुचि बहुत अच्छी होती है। किसी भी टाइप का एजुकेशन आता है, स्कूल कॉलेज का भी आ सकता है या फिर अदर देन एजुकेशन नॉलेज में भी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे जातकों का स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा रुचि होता है। लग्नेश सिक्स हाउस में जाता है तो ऐसे जातकों की मेंटालिटी जॉब करने वाली होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली होती है, जैसे बैंक एफडी हो गया, स्टॉक मार्केट में डिलीवरी बेस पर काम हो गया। ऐसा जातक कई दफ़ा अपने स्वभाव से शत्रुता भी क्रिएट करते हैं, ये एक नेगेटिव साइड है। लग्नेश सेवंथ हाउस में आ गया तो लघु पारासरिक के नियम के अनुसार किसी भी राशि का मालिक अपने से सेवंथ हाउस में जाता है तो वो अस्त राशि का हो गया, तो यहाँ पे लग्नेश अस्त हो गया यानी कि लग्नेश बलहीन हो गया। लग्नेश यानी आप खुद सेल्फ, और सेवंथ हाउस आपके सिवाय की तमाम पब्लिक आती है। तो जब भी लग्नेश सेवंथ हाउस में जाता है तो बंदा सामने वाले को अनुकूल होता है, अपने स्पाउस को अनुकूल होता है। अगर पुरुष जातक की कुंडली है और लग्नेश सेवंथ हाउस में है तो वो अपनी पत्नी को अनुकूल होगा, और लेडीज़ की कुंडली है और लग्नेश सेवंथ हाउस में आता है तो वो अपने पति को अनुकूल रहेगी। लग्नेश एट हाउस में, लग्नेश जब भी एट हाउस में आता है तो आदमी रिसर्च ओरिएंटेड होता है, रिसर्च प्रिय होता है, अकल्ट में रुचि रखने वाला होता है। लेकिन ऐसे जातकों में कई दफ़ा
बड़ी और गंभीर बीमारी भी आ सकती है। ये एक माइनस पॉइंट है। लग्नेश नाइन्थ हाउस में धर्म में रुचि रखने वाला, बिलीव करने वाला, हायर एजुकेशन में रुचि रखने वाला अपने भाग्य को कैसे डेवलप करे उस पर ज़्यादा फोकस करने वाला रहेगा। लग्नेश टेंथ हाउस में आता है, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में आता है, तो ऐसे जातक बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, बिजनेस ज़्यादा करते हैं, अपना यश मान प्रतिष्ठा रेपुटेशन डिग्निटी कैसे इंक्रीस हो उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। अपने बिजनेस में अपनी फैमिली को भी ज्वाइंट कर सकता है या फिर पिताजी के बिजनेस में वो खुद जा सकता है। लग्नेश इलेवेंथ हाउस में बहुत ही बढ़िया और अच्छी पोजीशन बनती है। ऐसे जातकों को जीवन में बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलता है। इलेवेंथ हाउस अपना जीवन का डिज़ायर्स हाउसेस है। व्हाट यू वांट यू विल गेट इट। आपने जो भी सोचा है वो अचीव करोगे। ऐसी सिचुएशन लग्नेश इलेवेंथ हाउस में विराजमान होने की वजह से बनता है। लग्नेश ट्वेल्थ हाउस में एब्रॉड जाने की मेंटालिटी होती है, लेकिन कई दफ़ा अपने जीवन में गलत और रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह से कॉट मैटर खड़ी कर सकता है, जेल योग भी आ सकता है। तो जब भी ऐसे जातकों को बड़ा और मेजर डिसीजन लेना है तो कोई सच्चे दोस्त की एडवाइस लेनी चाहिए। धन्यवाद।